तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके एस के एम क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई है कि जो एग्ज़ाम्स में हम क्वेश्चन मिस करके आते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे कवरअप करें। तो उन क्वेश्चनों को कवरअप करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे जो मुहिम चलाई गई है, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर हम छोड़ के आते हैं। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे द्वारा ऑलरेडी नोट डाउन किए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को देखें। मैं पढ़ते भी जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमारा जो पहला नंबर होता है एपिकल्चर होता है। एपिकल्चर होता क्या है? देखें, एपिकल्चर एक्चुअल में होता है मधुमक्खियों का अध्ययन करने वाला, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये होता है एपिकल्चर। तो एपिकल्चर के माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर से क्या किया जाता है? जैसा कि नाम से ही है सेरी, तो सेरीकल्चर से हम करते हैं रेशम कीटों का अध्ययन। सेरीकल्चर से रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के माध्यम से। एंड अनदर इज पिसीकल्चर। पिसीकल्चर पिसीकल्चर से होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। तो मछलियों में पीस निकलते हैं, तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर से मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद आता है माइकोलॉजी। इसको माइकोलॉजी ना पढ़ें, माइकोलॉजी एक्चुअल में पढ़ते हैं। तो माइकोलॉजी के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कवकों का अध्ययन। जो कवक होते हैं, हम कवकों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है फाइकोलॉजी, इसको पढ़ते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं? फाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं शैवालों का। माइकोलॉजी में करते हैं कवकों का, और फाइकोलॉजी में करते हैं शैवालों का। उसके बाद आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एंथोलॉजी में हम करते हैं एक्चुअल में फूलों का अध्ययन। तो एंथोलॉजी जो होता है, एंथोलॉजी जैसा कि नाम से ही है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी के बाद एक जो ऑप्शन आता है, ये होता है पोमोलॉजी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय फ्रेंड, जो आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत आप क्या करते हैं? पोमोलॉजी के अंतर्गत आप लोग खुद सोचे क्या होगा। तो जो पोमोलॉजी होता है, पोमोलॉजी में हम एक्चुअल में फलों का अध्ययन करते हैं। तो ये पोमोलॉजी हो गया। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी हो गया। उसके बाद आते हैं इस साइड में। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, उसके बाद जो ये है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? ये ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। तो ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद आता है इक्थायोलॉजी। तो इक्थोलॉजी जो होता है, इक्थोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी माई फ्रेंड्स। जो इक्थोलॉजी होती है, इसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। और जो यहाँ पे ये है पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन पर ध्यान देते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। और इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, ना कि मछली पालन का। तो ये दोनों यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं कि कौन सी मछली किस तरह की है, कि इसमें कितना पोषक तत्व पाया जाता है, इसका साइज क्या होता है, सभी चीज़ें देखते हैं। और इसमें अध्ययन का, और इसके अंतर्गत उसके पालन का अध्ययन किया जाते हैं कि कौन कहाँ पे कितना पालन हो रहा है। उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी।
तो जो एंटोमोलॉजी होता है माय फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कीटों का अध्ययन। तो ये होता है एंटोमोलॉजी, ये तो आप आसानी से याद ही कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रो में। जो डेंड्रोलॉजी होता है, डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में होता है सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में होता है सर्पों का अध्ययन। आता है हमारा ये नंबर सोरोलॉजी का, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है, डेंड्रोलाइड में बिच्छों और झाड़ुओं का होता है। और एंटमोलॉजी जो है, एंटमोलॉजी में होता है कीटों का अध्ययन। ये चीज़ आप याद कर लें, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और जो ओफियोलॉजी होता है, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, स्नेक्स का अध्ययन। उसके बाद आता है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं इसमें सोरो, सोरोलॉजी दीवारों पर रहती हैं सोरोलॉजी। सिल्वी कल्चर, जो सिल्वी कल्चर होता है माय फ्रेंड, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करते हैं, काष्ठी जो पेड़ होते हैं उनका हम संवर्धन करते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो हमारे इस SKM लाइव चैनल में, क्लासेस में लगातार बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को मेरे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी इस चैनल के वीडियोज़ का लाभ मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कंटिन्यू विथ माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।